हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देख लेते हैं हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए ले लेंगे हम ब्रेड। पहले लगाएंगे एक तरफ हम मक्खन। जिस तरफ हम मक्खन लगाएंगे हम उस तरफ पलट लेंगे नीचे की तरफ। ये हमने ब्रेड में मक्खन लगा लिया है, अब इसे हम पलट के इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। स्प्रेड कर लेंगे इसको। दोनों ब्रेड के स्लाइस में मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया है, अब हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। मैंने यहाँ पे चीज़ को ग्रेट कर लिया है। चीज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। पूरा चारों ओर हम लगा के स्प्रेड करेंगे चीज़ को। अब डालेंगे हम वेजीज। वेजीज आपको जो पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉर्न लिया है। कॉर्न को मैंने 8-10 मिनट के लिए माइक्रोवेव में उबाल लिया था। शिमला मिर्च को हम इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आपको जो भी वेजीज पसंद हो आप वो ले सकते हैं। अनियंस डाल लेंगे। अगर आप टमाटर डालते हैं तो टमाटर के हम बीज निकाल के ही डालेंगे इसमें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आप ये रेसिपी बना के देखते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वेजीज डालने के बाद हम ऊपर से थोड़ा सा नमक स्प्रेड कर लेंगे चारों ओर। थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा डालेंगे ओरिगैनो। और थोड़ा सा डालेंगे हम ऊपर से ब्लैक पेपर पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस आता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब ले लेंगे एक तरफ पैन, हम डाल देंगे ब्रेड को। ब्रेड का जो नीचे वाला हिस्सा हमने मक्खन लगाया था वो नीचे की तरफ रहेगा। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो में रखेंगे और ढक देंगे इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद हम एक बार चेक कर लेंगे। हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनके तैयार है। हम एक बार नीचे से हल्के हाथों से ऐसे चेक करेंगे, हमारा ये सिक चुका है। और आप देख सकते हैं कि हमारा मोज़रेला चीज़ भी मेल्ट हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये पिज़्ज़ा देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अगर आप इसे बनाते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो तैयार है हमारी ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। ये रेसिपी आप बनाइए, खाइए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।